हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो जब कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड या अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब हमारी रिवॉल्व करती है, तो उसके अंदर दोनों एनर्जी होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इस ड्यू टू इट्स पोजिशन, यानी पोजिशन के कारण आपकी क्या होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरा, मोशन करती है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो जो टोटल जो एनर्जी होगी सैटेलाइट की, वो हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल। सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट U इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट K इक्वल टू हाफ m V स्क्वेयर, सो दैट हाफ स्मॉल m इंटू V की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया G कैपिटल M अपॉन R, सो दैट काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 R। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ई इज इक्वल टू यू प्लस के, सो दैट माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 R। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपका बचेगा माइनस हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। सो दैट द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यानी जब आपकी कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती होती है, तो उस सैटेलाइट को ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए, यानी इन्फिनिटी तक हमें क्या, अर्थ से इन्फिनिटी तक मूव करने के लिए, यानी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी आपकी क्या बोली जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आपकी क्या होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी के अपोजिट ही हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी इक्वल हो जाएगी माइनस ई के, यानी माइनस टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। सो दैट बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। नेक्स्ट इज जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ए सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी एट ए फिक्स्ड पोजिशन एट ए डेफिनेट हाइट टू एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपकी कौन सी होती हैं, एक ऐसी सैटेलाइट जिनको हम अर्थ की सरफेस पर से देखने पर वो हमें क्या है, फिक्स्ड पोजीशन पर ही दिखाई दें, तो वो आपकी बोली जाती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है, और जो हाइट होती है अर्थ सरफेस से वो 36,000 किलोमीटर होती है, और इनकी जो ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होती है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। फॉर एग्जांपल इनसेट 2B इनसेट 2C ETC। नेक्स्ट इज पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व इन पोलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ।
यानी एक वो सैटेलाइट जो पोलर के अराउंड आपकी क्या है रिवॉल्व करती है, यानी पोलर ऑर्बिट में आपकी क्या है रिवॉल्व करती हैं, वो सैटेलाइट आपकी बोली जाती हैं पोलर सैटेलाइट। यूजेज ऑफ द पोलर सोलर सैटेलाइट इन कम्युनिकेटिंग रेडियो टीवी टेलीफोन सिग्नल्स अक्रॉस द ओशियंस इन फोरकास्टिंग वेदर इन स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशन ऑफ अर्थ टू स्टडी द कॉस्मिक रेज एंड सोलर रेडिएशंस। नेक्स्ट इज एस्केप स्पीड। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड विद विच द बॉडी हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर रिटर्न्स ऑन इट्स ओन। यानी एस्केप स्पीड क्या है, वो मिनिमम स्पीड जिससे हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें या प्रोजेक्टेड करें तो वो आपके है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या है बाहर निकल जाए और वापस कभी भी आपके क्या है अर्थ पर लौट के ना आए, तो वो स्पीड आपकी बोली जाती है एस्केप स्पीड। सपोज दिस इज द अर्थ एंड मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम एंड रेडियस इज कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस से एक्स डिस्टेंस पर आपका ये कोई पॉइंट पी है और पी पॉइंट से हमने क्या है डी एक्स डिस्टेंस हमने ले लिए। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे निकाल, यहाँ पे हम मान के चलते हैं किसी पॉइंट पी पर कोई आपका बॉडी है तो जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वेयर। ना वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी डैक्स सो दैट डी डब्ल्यू इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ना टोटल वर्क डन टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमारा क्या है आर टू इन्फिनिटी तक हमें क्या थ्रो करना है प्रोजेक्टेड करना है, तो लिमिट ले लेंगे आर टू इन्फिनिटी, लिमिट ले करके हम इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा आर टू इन्फिनिटी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो वन अपॉन एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन है माइनस वन अपॉन एक्स आता है, आर टू इन्फिनिटी आपकी लिमिट हो जाएगी, लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। सो दैट काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी ई स्क्वेयर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, क्योंकि हमें क्या जो वर्क डन है ये वर्क डन ही आपका क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो जो वी ई स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा टू जी एम अपॉन आर, सो दैट वी ई स्क्वेयर इक्वल टू टू जी आर स्क्वेयर अपॉन आर या वी ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर। सो दैट टू इंटू नाइन पॉइंट इंटू सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर सिक्स, तो ये आपका एलेवन पॉइंट टू इंटू टेन की पावर थ्री मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, या फिर हम एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट को एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्टेड किया जाए तो वो कभी भी आपके अर्थ सरफेस पर वापस लौट के नहीं आएगी।